गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपके सामने एश्योर का हेयर ऑयल और उसके साथ हम कुछ इसके अंदर सप्लीमेंट कैसे डालकर इसको बनाएंगे और इसका क्या हमें बेनिफिट होगा। जब ये हेयर ऑयल तैयार होता है तो इससे हमारे बालों की ग्रोथ होती है, बालों की मजबूती होती है, झड़ना कम होता है, डैंड्रफ रूसी वगैरह उसमें भी हमें आराम मिलता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक एश्योर का हेयर ऑयल, एग्री 82, नीम, एलोवेरा, आंवला, स्पायरुलिना और नोनी, इनके 8-8 कैप्सूल थे जो मैंने इसके अंदर इसको खाली कर लिया है। ये इनके खाली बॉक्स है और मैंने इनको सबको ले लिया है। उसके बाद ये नीम के कैप्सूल है, ये इसमें नहीं डाले, मैं डायरेक्ट डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है ये। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये 8 कैप्सूल इसके नीम के लेने हैं, तो एक मैं डाल चुका हूँ और मैं इनको इस तरीके से कट करके इनको डाल रहा हूँ। बता दूं आपको, थोड़ा सा तेल मैंने इसका गुनगुना किया हुआ है और इसको थोड़ा सा गुनगुना आपको भी करना है। सभी के 8-8 कैप्सूल इसके अंदर लिए जाएंगे और इसको हम 8 कैप्सूल को इसके अंदर डाल के एक बार छोड़ भी सकते हैं और हम चम्मच के इससे हिला लेंगे इसको और दोबारा से इसके अंदर कुछ रह जाता है तो इसको निकाल के एक बार फ्रेश कर लेंगे। तेल हल्का निवाया, गुनगुना सा इसके अंदर कर रहा, पहले ही मैंने उसको कर लिया है। आप सब इस चीज का ध्यान रखें। इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन और अच्छा आता है। इसको तेल के मिश्रण को आपको अच्छे से मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, ये इसके 8 नीम के कैप्सूल मिले हैं और अभी मैंने ये सारा जो इसका मिश्रण बनाया हुआ है इसके अंदर नौनी, आंवला, स्पायरुलिना, एलोवेरा ये सारा है। अब मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल रहा हूँ सारे मिश्रण को। अब ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया, आप देखोगे ब्लैक ब्लैक हो गया। और इसके अंदर अब मैं डालने वाला हूँ हमारा एग्री 82 का, इसकी 3 बूंदें डालेंगी, 1, 2, 3। अब इसको अच्छे से मिलाना है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद वापस हम इसको इस सीसी में डाल के रख देंगे 14 दिन के लिए और उसको फिर निकालेंगे 14वें दिन, इसको फिर छान कर एक दिन के लिए और रख देंगे। 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हफ्ते में आप 1-2 दिन जैसे भी लगाना चाहो तो उसको यूज कर सकते हो और फिर शैम्पू से इसको वाश कर सकते हैं। नाइट में लगाओ तो भी बेस्ट रिजल्ट आएगा आपको, दिन में लगाओ 1-2 घंटे बाद इसको शैम्पू से वाश कर लो। इसको बहुत अच्छे से मिला लो ताकि सारे कैप्सूल इसके अच्छे से मिल जाएं। और अब हम इसकी जो तेल की सीसी है हमारी खाली बोतल, इसको लेकर
इसको डायरेक्ट हम डालने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, अगर आ जाए तो। ये सारा मिश्रण इसके अंदर आपको वापस डालना है, चाहे चम्मच से डालें या डायरेक्ट डालें कैसे भी। अब ये सीसी को इसको अच्छे से हमने पूरा इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे से बंद करके और इसको शेक करना है। और इसको बंद करके 15 दिन के लिए हमें इसे रख देना है। और इसको 14 दिन तक पहले रखेंगे, 15वें दिन हम 14 दिन बाद इसको निकालेंगे और फिर से दोबारा इसको किसी खाली बर्तन में डालकर और इसको छान कर वापस एक दिन के लिए डाल देंगे। और इसको 15 दिन के बाद हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। आप सब भी इसका रिजल्ट लीजिए, आप इसको घर में बनाइए। बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल प्रोसीजर है और बहुत अच्छा आपको बालों में रिजल्ट देगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।